नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अजीम। भगवानपुर विधानसभा का सिकरौटा गांव करीब 20,000 आबादी का गांव है, जिसमें करीब 9,000 वोट हैं। भगवानपुर विधानसभा का सबसे बड़ा गांव पड़ता है। आज न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम सिकरौटा में माहौल क्या है विधानसभा चुनाव को लेकर, ये जानने के लिए आई है। हमारे साथ जहाँ ग्रामीण मौजूद है, इनके क्या मुद्दे हैं, किस तरह की समस्याएं हैं और कैसा विधायक देखना चाहते हैं, इनसे बात करेंगे। हालांकि न्यूज वन इंडिया की टीम ने कई गांव का दौरा पहले भी किया, जहां तक लड़ाई देखने को मिली वो राकेश परिवार के बीच ही मिली। फिलहाल कांग्रेस की विधायक ममता राकेश यहां से विधायक हैं। इस बार भगवानपुर की जनता और सिकरौटी की जनता किसको अपना विधायक बनाएगी, ये लोगों से बात करेंगे। क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल है विधानसभा चुनाव को लेकर? माहौल तो यहाँ बसपा के पक्ष में लग रहा है, इतना बड़ा गांव है, विधायक जो है कैसे में यहाँ सदन में जीते। मुद्दे क्या है लोगों के यहाँ पे? यहाँ रास्ते सारे जो मेन रास्ते हैं वो सही नहीं है, जो पहाड़ी इलाका है, नदी नाले हैं उनमें पुलिए नहीं है। अगर जरा सी बारिश हो जाए तो आधा गाँव इधर रह जावा है, आधा गाँव इधर रह जावा है। और विधायक को जरूरत भी नहीं है यहाँ आने की, विधायक देखते नहीं है यहाँ पर आकर। आपका कहना ये है, क्या कहेंगे आप, क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? यही कहेंगे, यहाँ विकास का मुद्दा है सब, यहाँ जो भी कुछ देखते हैं। पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र विकास। विधायक जी जो है कहते हैं कि सिकरौटा में बहुत विकास कर रहे हैं। वो कहते हैं बीजेपी की सरकार, हमारे पास कोई ऐसी नीति नहीं आती है, अपनी नीति में कोई पैसा खर्च करना नहीं चाहती। सुबोध राकेश के पक्ष में जाएगा। विधायक का कहना यह है कि उनके पास बीजेपी सरकार में काम नहीं करवा पा रही। आपका क्या नाम है? गांधी। क्या कहेंगे ये जनता जो कह रही है कि यहाँ विकास नहीं हुआ, आप कितने संतुष्ट हैं विकास से? विकास हुआ ही नहीं है, आप क्या कहेंगे? विकास विधायक तो ज्यादातर सिक्योरिटी पे रोज ही माहौल किसके पक्ष में है यहाँ? सुबोध राकेश के पक्ष में माहौल है, ऐसा क्यों? क्योंकि विधायक अब क्या बदलेंगे, क्योंकि ममता राकेश जो है उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया। अगर आके सुबोध राकेश भी काम नहीं करवाएंगे उन्हें भी बदलेंगे। सुबोध राकेश काम नहीं कराएंगे उनको बदल दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? वकील साहब, क्या कहेंगे, माहौल किस तरह का है, किसके पक्ष में माहौल है यहाँ? माहौल की तो कंडीशन आप देख ही रहे हैं, यहाँ मेजोरिटी आपको दिख रही होगी। दूसरी बात यह है कि जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि आम आदमी वोट किस लिए देता है? नेता को छोड़ दो, नेता तो उसके तो कई रीज़न हो वोट देने के, लेकिन आम आदमी वोट सिर्फ इसलिए देता है कि उसका काम हो। और पिछले 7 साल में हमारी माननीय विधायक हैं, उन्होंने इस गांव के वोट को ये समझती हैं कि ये मेरा। विधायक जी का तो कहना ये है कि सबसे ज़्यादा मजबूत गांव उनका यही है। वो मजबूत था, लेकिन नहीं है, आज की डेट में खत्म है। ये तो गुलाम है, तो मिलेंगे, लेकिन वोट तब मिलेगा जब काम होगा। जहाँ तक वकील साहब, जहाँ तक हमारी जानकारी है, ये एक सफेदपोश नेताओं का गांव है। क्या नेता आपको नहीं समझा रहे कि कांग्रेस को वोट दो? नेता ये खत्म हो जाए, रास्ता सही नहीं हो सकता। नेताओं के समझाने से किसी को मजदूरी नहीं मिल सकती। नेताओं के समझा, अब आम आदमी ऐसा नहीं रहा है वो किसी नेता के पीछे रहे, उसका डायरेक्ट ताल्लुक। एक खास बात क्या है हमारे, मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ सुबोध राकेश, चलो मैं मेरी बात छोड़ दीजिए, लेकिन एक आम आदमी, एक आम वोटर भी जो है डायरेक्ट उनसे मिल सकता है, डायरेक्ट उन्हें अपनी परेशानी बता सकता है। बिना विधायक से भी मिल सकता है? नहीं, बिना विधायक होते हुए पिछले 5 साल से सुबोध राकेश जी सब लोगों के टच में हैं, सब लोगों के काम करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के पीरियड में मुसलमान का काम कराया, बीजेपी के पीरियड में बीजेपी के नेता रहते हैं सुबोध राकेश ने मुसलमानों का काम कराया। इनका साफ तौर से कहना यह है कि सुबोध से जिस टाइम चाहे उस टाइम मिल सकते हैं। आगे देखते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि यहाँ की सड़कों के जो विधायक ममता राकेश हैं वो बड़े बड़े दावे करती हैं कि हमने विकास कराया है। आप देख सकते हैं कि विकास, इसे विकास कहेंगे या क्या कहेंगे? आगे और जाके देखते हैं कि किस तरह से विकास रहा। बच्चे इसी रास्ते, लोगों का कहना है कि बच्चे इसी रास्ते से स्कूल जाते हैं,
और ये विकास कराया गया है ममता राकेश द्वारा। आगे गांव में और जाके देखते हैं कि किस तरह का माहौल है। सिकुरड़ा में गांव में अंदर आए हैं, एक ताऊ जी बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि माहौल किस तरह का है। ताऊ जी क्या नाम है, क्या ऐसा माहौल है यहाँ पर? तो किसके पक्ष में माहौल है यहाँ? यहाँ तो दोनों के पक्ष में, कुछ लोग होंगे कुछ होंगे। ज्यादातर लोग किसको पसंद कर रहे हैं इस बार? ममता राकेश को पसंद करेंगे। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। आगे भाई बैठे हुए हैं, क्या किसके पक्ष में माहौल है? जो विकास करेगा वो ममता या सुबोध? क्या विधायक 7 साल से विधायक है, उन्होंने विकास कराया? अरे साहब, जो बच्चे आपका कहना यह है कि विधायक ने विकास नहीं कराया है? दो स्कूल लगे हुए मेन रास्ते, सड़क की हालत खराब है। आगे देखते हैं गांव में उसके और क्या है। महिलाएं मौजूद है जो न्यूज इंडिया की टीम को देखकर बोलना चाहती है। क्या कह रहे हैं? सात साल से ममता राकेश जी विधायक है, उन्होंने एक महिला और मौजूद है, ये बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है, क्या समस्या है आपकी? नहीं, जो हमारे फसल है नहीं हटाएगा, हम किसे वोट देंगे? हम तो इसको काटेंगे, आग लगाएंगे। अब ठीक है नहीं? माहौल किसके पक्ष में इस बार? अरे बस मां, ये माहौल किसके पक्ष में, किसे वोट देंगे? समझ रहे थे ममता राकेश, रास्ता काटा लेना हटाओगे, जो इनका काम कराएगा, इनका रास्ता बनवाएगा, इनकी लाइन हटवाएगा। इनका कहना है कि ऐसे विधायक को बनाना पसंद करेंगे। आगे और यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, न्यूज ऑन इंडिया की टीम यहाँ पर आई है, इनके पास उनसे बात करते हैं कि माहौल किस तरह का है विधानसभा में। जी, क्या नाम है आपका? धर्मपाल जी, चुनाव चल रहे हैं, जल्द ही 14 तारीख को वोट मिलेंगे, किसके पक्ष में माहौल है? बीजेपी के। आपको क्या नाम है? ममता राकेश जी यहाँ से 7 साल से विधायक है, इनके बारे में क्या कहना? सबसे मजबूत गांव जो है कांग्रेस का जो है सिकुरड़ा माना जाता है। आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, उनका कहना है कि दुनिया भर का विकास कराया, विकास हुआ। अगर आप धस गए इसमें से गाड़ी से खींच ले पड़ेगा। इनका साफ तौर से कहना है कि इसमें हम भी धस गए तो गाड़ी से खींच लेंगे। ये बात है, ये युवा साथी हैं, युवाओं की आवाज कहते हैं कि युवा जहां जाता है वहीं पर माहौल बन जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू भाई। नीतू भाई, इसके पक्ष में माहौल है क्या? माहौल तो यहाँ देखा जाएगा इस तरह से होगा। आपका क्या कहना है, किसके पक्ष में, बीजेपी, कांग्रेस या बसपा? फिलहाल तो बस पाई है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम अब सिकुरड़ा के बाजार में आई है, यहाँ माहौल जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का माहौल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमान है जी। चुनाव चल रहा है, चुनाव अपने पीक पे है, क्या किसका माहौल है यहाँ पे, बसपा, कांग्रेस या बीजेपी? जी क्लियर, बसपा क्लियर, सुबोध भाई। सुबोध भाई बिल्कुल क्लियर। ये तो ममता जी का गढ़ माना जाता है कांग्रेस का जी, गढ़ मानना जावे था यहाँ। पिछले 7.5 साल में कोई विकास ही नहीं हुआ, गढ़ किस तरह रह जाएगा? साल में विकास नहीं हुआ, गढ़ कैसे कहेंगे? कुछ साथी और मौजूद है, क्या नाम भाई आपका? ये बताओगे जी, आप बताइए ना, क्या माहौल क्या है? माहौल तो कुछ भी नहीं है जी। किसके पक्ष में है माहौल, कांग्रेस, बसपा या बीजेपी? बज्जी नहीं कह जाता, क्योंकि डिसाइड नहीं किया, डिसाइड करने का टाइम आ गया अब तो। कोई नहीं कहने का, बताओ कैसे कह देगा? आदमी कह रहे हैं, कुछ ममता के कह रहे हैं, कुछ सुबोध के, कोई कोई कैसे कहेगा? अच्छा, आप कहेंगे क्या? बसपा का नहीं। नहीं भाई, किसके पक्ष में माहौल है? बसपा का सारा। बसपा का तो कहती है कि हमारे पक्ष में माहौल है, यहाँ 7 साल में जो कुछ कराई नहीं। क्या 7 साल में फ्री के वोट मिल जाते, लोग सारे उसे जा रहे हैं।
आज अब कुछ कराया नहीं, एक तरफा सबूत का, एक तरफा सबूत का है इस बार बसपा का माहौल है। सबूत, सबूत राकेश। आप क्या कहेंगे? सबूत राकेश। क्या नाम भाई आपका? राव सदाकत। सदाकत जी, किसके पक्ष में है माहौल इस बार? देखो ऐसा है, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे, ये जो सिकरोडा गांव है, भगवानपुर विधानसभा का सबसे निर्णायक गांव है, और इस गांव ने जितना मान सम्मान एक तरफा ममता राकेश जी को दिया, उसके बदले में उन्होंने कुछ नहीं दिया। आप तो चल के आए होंगे भगवानपुर से, आपने देखा होगा रास्ते कैसे हैं। उसके बावजूद भी सुबोध भाई को यहाँ से वोट बहुत कम मिलने के बावजूद भी बिना भेदभाव के 24 घंटे दिन रात सुबोध भाई ने यहाँ काम किया है। तो इसलिए सुबोध भाई ने क्या काम किया? सुबोध भाई तो कोई पति नहीं था, कोई नेता नहीं, विधायक नहीं थे, सांसद नहीं थे कोई। हाँ यही तो, यही तो बहुत बड़ी बात है कि कुछ ना होने के बावजूद भी वो 24 घंटे जनता के साथ खड़े रहे। काम होना ना होना अलग बात है, लेकिन जब भी गए मान सम्मान दिया और अपने से पूरा प्रयास करा उन्होंने काम करने का। इन्हीं के काम की वजह है, उन्हीं के प्यार की वजह है, जो इज्जत उन्होंने इस एरिया को दी है, ये एरिया जो है ना उन्हें वापस करेगा। एक तरफा यहाँ सुबोध भाई का ही है, सुबोध राय भाई, सुबोध भाई बोल रहे हैं कि सुबोध भाई का ही एक तरफा यहाँ पर माहौल है। एक साथी और मौजूद हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल सुबोध राकेश जी। सुबोध राकेश जी क्यों? ममता राकेश जी 7 साल से विधायक है यहाँ पे। ममता राकेश जी को हमने 2 बार मौका दिया, उसके बाद जो दो कुछ नहीं करा पाई, बिना मांगे उन्हें वोट दिए, और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज की तो वैल्यू बढ़ा दी सुबोध भाई ने, वरना ममता राकेश जी तो वोट मांगने तक नहीं आने को। सरकार किसकी आ रही है? सरकार भी आई, खंडी जनादेश मिलेगा, सुबोध राकेश जी मंत्री बनेंगे, खंडी जनादेश मिलेगा बिल्कुल। हरीश रावत जी को यहाँ के लोग बहुत चाहते हैं, क्या उनके पक्ष में माहौल नहीं है यहाँ? नहीं, हरीश रावत जी को चाहते हैं वो ठीक है, बस कांग्रेस से तो बैठनी है और ममता राकेश की खेड़नी है, उसका कारण वो खुद हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले 7.5 साल में गांव के अंदर कुछ नहीं करा। बिल्कुल कांग्रेस से बैर नहीं, ममता राकेश की खैर नहीं, ये नारा है सिकरोडे गांव का। आप देख सकते हैं मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं। क्या नाम भाई आपका? मोहम्मद तैयब नाम। तो ये भाई किसके पक्ष में माहौल है? सुबोध राकेश जी एक तरफा यहाँ तो। सुबोध राकेश जी बसपा की लहर है बस। नहीं, इससे पहले ममता राकेश की थी, पूरा गांव उनका साथ खड़ा था उनके, 7.5 साल से वो विधायक बनती आ रही हैं, उसके बदले में उन्होंने कोई गांव का विकास नहीं कराया है। और विकास सिर्फ यही नहीं है कि नाली पर लोगों की सोच है कि भी विकास है, हर आदमी की, हर पूरे जो विधानसभा में गांव आ रहा शेख तारा, उसकी हर छोटे बड़े आदमी की जो समस्या है छोटी बड़ी, उसको निपटाना, उसके सब फैसले जो निष्पक्ष करना, ये सारी चीज़ें होती है। ये नहीं है कि बस सड़कें ही बना दी है, सड़कें भी नहीं है यहाँ तो, सिकरोड में मेन रोड है वही ख़राब है। मेन कहेंगे ये 2 किलोमीटर काल जो तक आज तक नहीं बना, इसे इतना वोट दे कभी किसी ने, इतना वोट जब सब फ्री का मिल जाता वोट बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि सिकरोडे में किस तरह का माहौल है। न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने सिकरोडे में कई जगह जाकर गाँव के लोगों का जो उनका रुझान है वो जाना। लोगों का ज़्यादातर कहना है कि सुबोध राकेश के पक्ष में माहौल है। जहाँ तक कि कांग्रेस की बात है, लोगों का साफ तौर से कहना है कि कांग्रेस से बैर नहीं और ममता राकेश की खैर नहीं, क्योंकि उन्होंने 7 साल में यहाँ पर कोई विकास नहीं कराया। अब ये आने वाला चुनाव ही बताएगा। 14 फरवरी को मतदान होगा और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन यहाँ का विधायक बनता है। अपने सहयोगी विनोद चौधरी के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार, भगवानपुर।